आज का ये वीडियो जो है वो स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड है, बिकॉज गर्मियां आ चुकी हैं और स्कूल और कॉलेजेस वगैरह में डेफिनेटली अभी जो है कुछ समय का ब्रेक मिल रहा है, और ऐसे में ज्यादा से ज्यादा जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, मोबाइल उठाते हैं अपना टाइम पास करने के लिए, कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे स्क्रोलिंग करते रहते हैं। लेकिन ये जो टाइम वेस्ट हो रहा है, तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि आप अपने लाइफ को एक नया डायरेक्शन दे सकते हैं और इस टाइम का इस्तेमाल करके आप जो है कुछ ना कुछ बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो कमा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स के लिए मैं ऐसी 5 स्किल्स बताने वाला हूं, बट ये जरूरी नहीं है कि स्टूडेंट्स के लिए हो। अगर आप कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हैं, इन स्किल्स का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो डेफिनेटली आप साइड में इसको स्टार्ट करके, साइड इनकम की तरह स्टार्ट करके जो है आप इसको मेन इनकम स्ट्रीम जो है वो बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस पूरे 5 स्किल्स को, कौन सी ऐसी 5 स्किल्स हैं जो स्टूडेंट्स एंड प्लस वर्किंग प्रोफेशनल दोनों के लिए ही विन विन होने वाली है। तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए गाइस। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल मंजीत। तो यहां पर जो है सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ऐसी स्किल की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है वेब डिजाइनिंग। अब वेब डिजाइनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके पीछे क्यों आपको सीखना चाहिए, तो मैं बताऊंगा आपको। आप लोग देखते होंगे कि YouTube के ऊपर में या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर में जब हम कोई वीडियो स्ट्रीमिंग करते हैं, वीडियो को देखते हैं, तो ऐसे में बहुत सारी एड्स हमें दिखाई दे रही हैं, और जब भी उस एड पे आप क्लिक करोगे तो आप चले जाओगे एक लैंडिंग पेज के ऊपर में। तो यानी कि एक पेज, ऐसा पेज जहां से जो भी टारगेट ऑडियंस है या ट्रैफिक है उसका एक आगे का कॉल टू एक्शन, यानी कि वो आगे क्या कर सकते हैं, लाइक कोई कोर्स बेच रहा है, कोई अपने प्रोडक्ट बेच रहा है, तो कोई अपनी सर्विस बेच रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ जो है वहां पे सेल किया जा रहा है। तो यानी कि सभी जितनी भी एडवर्टाइजमेंट्स हो रही हैं सभी के लिए एक ऐसी वेबसाइट, एक ऐसा लैंडिंग पेज जो है होना मैंडेटरी है। तो ऐसे में अगर आप वेब डिजाइनिंग सीख जाते हैं और उसी के जरिए आप, उसी स्किल्स के जरिए आप बहुत अच्छे अच्छे अट्रैक्टिव जो लैंडिंग पेजेस हैं वो हर ऑडियंस को दे सकते हैं, यानी कि जितनी भी कंपनीज एडवर्टाइज कर रही हैं आप उनको अप्रोच कर सकते हैं और उनसे बोल सकते हैं कि मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे अट्रैक्टिव जो है लैंडिंग पेजेस डिजाइन करके दे सकता हूं, तो उससे आप जो है पैसा कमा सकते हैं। सेकेंड स्किल्स की हम बात करें तो मुझे बताने की जरूरत नहीं कि यूट्यूब में कितना पैसा है, लाइक यूट्यूब से लाखों हजारों रुपए जो है लोग कमा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे सक्सेस होने के लिए एक मैंडेटरी चीजें कुछ आपको जाननी होती हैं। सो डोंट वरी, यहां पर मैं आपको बता दूं कि आप भी अपना जो ये जो टाइम है, समय है, इसको लिए आप वेस्ट ना करके इसमें YouTube के ऊपर में काम स्टार्ट कीजिए। आज ही YouTube चैनल जो है वो क्रिएट करें और उसके ऊपर में काम करना स्टार्ट करें। लेकिन सक्सेस कैसे होना है उसके लिए जो है हमारा चल रहा है फ्री YouTube मास्टरी कोर्स, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। वीडियो पूरा कंप्लीट देख के उस लिंक पे क्लिक करके फ्री में एनरोल कर लीजिए, जहां पर मैं आपको पूरी यहां पे जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि कैसे आप एक यूट्यूब चैनल को सक्सेसफुल जो है वो कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरी स्किल में। तीसरी स्किल होती है अगेन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन यानी कि जिसको हम SEO के नाम से भी जानते हैं शॉर्ट के अंदर, ये एक ऐसी स्किल है, चाहे कोई कंपनी की वेबसाइट है या किसी की पर्सनल वेबसाइट है, ब्लॉग वेबसाइट है, या किसी भी तरह की ई कॉमर्स वेबसाइट है या यूट्यूब चैनल है, तो हर जगह पे ये स्किल काम में आती है। तो आपके पास अगर ये स्किल सीख जाते हो तो आप किसी यूट्यूबर को उसके चैनल का SEO के लिए जो है अप्रोच कर सकते हैं। आप बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आप उनके ओनर्स को, उनको कांटेक्ट कर सकते हो उनकी वेबसाइट का SEO वगैरह करने के लिए। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन स्किल है और एक ऐसी स्किल है जो कभी भी जो है ये खत्म नहीं होने वाली, बिकॉज हर रोज ना जाने कितनी वेबसाइट जो है वो आपके डोमेन जो है रजिस्ट्रेशन किए जाते हैं, वेबसाइट डिजाइन की जाती हैं, लेकिन वो वेबसाइट रैंक में नहीं आ पाती क्योंकि वहां पर SEO नहीं किया जाता। तो आप अगर ये स्किल सीख जाते हैं तो आप जो है ये SEO की स्किल का इस्तेमाल करके बहुत सारे अपने क्लाइंट जो है वो रेडी कर सकते हैं। चौथी स्किल की अगर हम बात करें वो है आपकी वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग यानी कि आपको कहीं जाने की नहीं जरूरत, आपके जितने भी यूट्यूबर्स हैं आप किसी को भी जो है अप्रोच कर सकते हो कि मैं आपके लिए जो है 100 रुपए में, 150 रुपए में, 200 रुपए में, 400 रुपए में, जैसी आपकी वीडियो की एडिटिंग की स्किल है वैसे आप जो है अपने कुछ सैंपल को रेडी कीजिए, और सैंपल रेडी करके जो है आप उनको उनके ईमेल आईडी पे, उनके सोशल मीडिया पे, डायरेक्टली व्हाट्सएप वगैरह जो भी कॉन्टेक्ट नंबर्स दिए गए हैं वहां पर एक पूरा प्रॉपर तरीके से अपना प्रपोजल जो है वो रेडी करके विद योर सैंपल उसको जो है शेयर कीजिए। अगर
कोई भी, क्योंकि जितने भी मैक्सिमम यूट्यूबर्स हैं वो हर चीज खुद नहीं करते, तो वीडियो एडिटिंग जो है वो किसी ना किसी से करवाते हैं। तो जैसे अगर आप मेरी वीडियो की बात करें तो डेफिनेटली अगर आपके पास ये स्किल है तो आप मुझे भी जो है अप्रोच कर सकते हैं वीडियो एडिटिंग के लिए। तो अगर आपके पास में ये स्किल है तो मुझे भी कीजिए, और बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं उनको भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी स्किल है जिसका इस्तेमाल करके आप जो है काफी अच्छा एक अमाउंट जो है मंथली अर्न कर सकते हैं। फिर पांचवा जो स्किल है वो भाई आपकी सोशल मीडिया मैनेजर, यानी कि जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं हर किसी का सोशल मीडिया होता है और हर चैनल को, हर सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को वो खुद हैंडल नहीं करते हैं। इसके लिए वो अपॉइंट करते हैं सोशल मीडिया मैनेजर्स को जो उनके बिहाफ पे कंटेंट जो है रेगुलर अपडेट करता है, जितने कमेंट्स आते हैं वहां पर उनको रिप्लाई करता है, या फिर कुछ उसको कैसे और बूस्ट कर सकते हैं उसके लिए इंगेजिंग कंटेंट जो है किस तरीके का डिजाइन किया जा सकता है, किस तरीके की पोस्टिंग की जा सकती है, ये सब जो है करने के लिए आप किसी भी बड़े यूट्यूबर्स को या किसी भी यूट्यूबर को जो है अप्रोच कर सकते हैं। ये भी एक ऐसी स्किल है जिसको सीख कर आप डेफिनेटली अगेन बहुत सारा पैसा जो है वो कमा सकते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने पांच स्किल्स आपको बताई हैं, चाहे फिर वो आपकी वेब डिजाइनिंग हो, उससे भी आप एक नॉर्मल से नॉर्मल वेबसाइट डिजाइन भी करना सीख लेते हैं और करके देते हैं तो आपको 8,000 से 10,000 रुपये जो है वो मिल जाता है। लेकिन अगर वहीं पे अगर बात करें हम यूट्यूबर की, तो डेफिनेटली एक यूट्यूबर बन के आप एक 5-6 महीने का जो है अच्छा टाइम स्पेंड करके उसके ऊपर में अच्छा कंटेंट क्रिएट करके जो है अगेन इससे जो है लाखों रुपए जो है कमाने की एक इनकम स्ट्रीम जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। एसईओ के अंदर मंथली क्लाइंट जो है आपको आराम से 10,000-15,000 रुपए मंथली पे कर सकता है। तो अगर आपके पास में 4-5 क्लाइंट भी होंगे तो यू कैन इमेजिन कि कितना अमाउंट जो है मंथली आप अर्न कर सकते हैं। वीडियो एडिटिंग की तो जितनी आपकी कैपेसिटी है और जितने नंबर ऑफ क्लाइंट्स को आप एक प्रॉपर तरीके से प्रोफेशनल जो एक गुड लुकिंग, चाहे उसका साउंड इफेक्ट है, चाहे उसकी कलर ग्रेडिंग्स वगैरह है, राइट, हर चीज को जो है आपने अगर ध्यान रख के एडिटिंग करते तो एक दिन के अंदर अगर आप 4 वीडियो एडिट कर सकते हो तो 4 का ही आप जो है काम लें, और ऐसे करके अगर आप मान लीजिए 2 लेते हैं तो यानी कि एक दिन के अंदर आप 800 से 1,000 रुपया जो है आराम से कमा सकते हैं, और आपकी स्किल अगर और भी ज्यादा अच्छी है तो आप इससे ज्यादा भी कमा सकते हैं। तो यानी कि महीने का अगर देखा जाए तो 30,000-40,000 रुपए वीडियो एडिटिंग के जरिए भी आप आसानी से कमा सकते हैं। रही बात अभी आपकी सोशल मीडिया मैनेजर की, तो सोशल मीडिया मैनेजर का जो है अगर एक का भी अगर आप मैनेज करते हैं तो 5,000 से 7,000-8,000 रुपया जो है आप महीने का उनसे ले सकते हैं। अगर ऐसे में अगर आपने 5 या 6 क्लाइंट भी ले लिए तो आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं कि आप 40,000-50,000 रुपए आसानी से जो है मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं। सो गाइस, ये है 5 ऐसी स्किल्स जो मैंने आपको बताई। अगर आपको जो है अब हमारा यूट्यूब वाला जो है मास्टरी कोर्स फ्री में ज्वाइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, उस पर क्लिक करें और एनरोल करें। तो मैं मिलता हूं आपको एक और नए वीडियो के अंदर, एक और नए टाइटल के साथ, एक और नए डिफरेंट टॉपिक के साथ में। तो अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या कुछ भी आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें। नए हो चैनल पे, इस तरह के और वीडियोस अगर आप देखना पसंद करते हैं तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नए वीडियो के अंदर। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।